टेक्नोलॉजी इफ यूज वेल फॉर पब्लिक गुड कैन डिलीवर लास्टिंग प्रॉस्पेरिटी टू मैनकाइंड एंड सस्टेनेबल फ्यूचर फॉर अवर प्लेनेट. डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी सच एज ब्लॉकचेन एंड द इंटरनेट ऑफ थिंग्स विल हैव ए डीप इंपैक्ट इन द वे वी लीव एंड वर्क. दे विल रिक्वायर रैपिड एडप्टेशन इन अवर वर्क प्लेस. सो फ्रेंड्स, ये थी कल के लाइव कॉन्फ्रेंस की क्लिप जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने ब्लॉकचेन के ऊपर एक स्टेटमेंट दी है. आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं. दिस इज सपना, वेलकम टू माय चैनल. आई होप यू ऑल डूइंग वेल. सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं. फ्रेंड्स, जो आपने ये क्लिप देखी है, कल के लाइव कॉन्फ्रेंस की क्लिप है. मैं आपको बता दूं, कल इंडिया में फर्स्ट टाइम 22nd WCIT कॉन्फ्रेंस हुई थी. WCIT का फुल फॉर्म है फ्रेंड्स, वर्ल्ड कांग्रेस ऑन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. इस कॉन्फ्रेंस में नरेंद्र मोदी जी ने ब्लॉकचेन एंड इंटरनेट ऑफ थिंग के ऊपर रैपिड एडॉप्शन लगाने की बात की है. फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, ब्लॉकचेन एक टेक्नोलॉजी है जिसके ऊपर सारी क्रिप्टो करेंसीज वर्क करती है, जैसे लाइक हमारी बिटकॉइन. और इंटरनेट ऑफ थिंग्स को भी मैं डिफाइन कर देती हूँ फ्रेंड्स. इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारी डेली डे टू डे लाइफ से बिलोंग करता है. जैसे सपोज कि हम इस रूम में बैठे हैं और हम अपने एक रिमोट से, अपने फोन से अपने घर की सारी चीजों को हम कंट्रोल कर सके, ये कहलाता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स. तो इन दोनों के ऊपर इन्होंने रैपिड एडॉप्शन लगाने की बात की है फ्रेंड्स. और ये भी बोला है कि ये दोनों चीजें हमारी डे टू डे लाइफ में काफी अच्छा इंपैक्ट रखती है. फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं, गवर्नमेंट जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स के ऊपर एडॉप्शन लगाने की बात कर रहा है. अगर हम ब्लॉकचेन के ऊपर क्रिप्टो करेंसी जो यूजर है वो बात करते हैं, तो जो भी क्रिप्टो करेंसीज है वो ब्लॉकचेन के ऊपर वर्क करती है, ब्लॉकचेन की टेक्नोलॉजी को यूज करती है. बट इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो कि ऑलरेडी हमारी कुछ टेक्नोलॉजी है जिसपे वर्क कर रही है, जैसे लाइक हमारा आयोटा कॉइन हो गया और इथेरियम कॉइन है जो कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स पे वर्क कर रहा है. तो कहीं ना कहीं जो चीजें, जो टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट एक्सेप्ट करने की बात कर रहा है हमारी डे टू डे लाइफ में, वो क्रिप्टो करेंसी से रिलेट कर रही हैं आज के टाइम में. सो फ्रेंड्स, इससे आप सोच सकते हो कि जो क्रिप्टो करेंसीज है एंड टेक्नोलॉजी है उससे रिलेटेड, उस पे गवर्नमेंट पॉजिटिव है उसको लेकर और उस पे वर्क कर रहा है. और फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया था कि G20 मीटिंग होने वाली है जिसमें ऑल ओवर वर्ल्ड की सभी लीडर्स इन्वॉल्व होके क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर एंड बिटकॉइन के ऊपर बात करने वाले हैं. और साथ ही साथ मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि जो SC गर्ग है एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए उन्होंने रिपोर्ट उनकी आनी बाकी है, जिसमें कि जो भी अभी तक जो भी ट्रांजेक्शन हुए हैं बिटकॉइन को लेकर, क्रिप्टो करेंसीज को लेकर उनकी एक रिपोर्ट आनी बाकी है. तो ओवरऑल जो चीजें हैं वो ये है कि गवर्नमेंट बिटकॉइन को लेकर या फिर क्रिप्टो करेंसीज को लेकर या फिर उनसे जुड़ी टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, उन पे वर्क कर रही है कहीं ना कहीं और काफी अच्छा प्लान कर रही है क्रिप्टो करेंसीज को लेकर. फ्रेंड्स, मैं बता दूं, मेरा ये वीडियो बनाने का सिर्फ इतना सा पर्पस था कि आप लोगों तक जो नरेंद्र मोदी जी ने कहा है वो करेक्ट इंटरप्रिटेशन आए, कोई अदर मीडिया के थ्रू कुछ गलत इंटरप्रिटेशन ना आए और आप पैनिक ना करें इस न्यूज को लेकर, क्योंकि ये जो न्यूज है काफी पॉजिटिव न्यूज है हमारे लिए. फ्रेंड्स, जो लोग भी क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी और बिटकॉइन से जुड़ी न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं, मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें.